ज़हरी ने बयान किया कहा मुझको सलमा बिन अब्दुलरमान ने खबर दी और उनसे अबू सईद खदरी रजी उन्होंने बयान किया कि हम रसूल सल्ह वसलम की खिदमत में मौजूद थे और आप जंग हुनैन का माल गनीमत तकसीम फरमा रहे थे इतम बनी तमेम का एक शख्स झुल्खवैसरा नामी आया और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह इंसाफ से काम लीजिए यह सुनकर आ हज़रत सल्हु वसम ने फरमाया अफसोस अगर मैं ही इंसाफ ना करूं तो दुनिया में फिर कौन इंसाफ करेगा अगर मैं ालम हो जाऊं तब तो मेरी भी तबाही और बर्बादी हो जाए हज़रत उमर अल्लाह उम्रद्ला अर्ज़ किया हुजूर इसके बारे में मुझे इजाज़त दें मैं इसकी गर्दन मार दूँ आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे छोड़ दो इसके जोड़ के कुछ लोग पैदा होंगे कि तुम अपनी नमाज को उनकी नमाज के मुकाबले में बज़ाहिर हकीर समझोगे और तुम अपने रोज़ों को उनके रोज़ों के मुकाबले नाचीज़ समझोगे वो कुरान की तलावत करेंगे लेकिन वो उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा ये लोग दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे ज़ोरदार तीर जानवर से पार हो जाता है इस तीर के फल को अगर देखा जाए तो इसमें कोई चीज़ खून वगैरह नज़र ना आएगी फिर उसके पट्टे को अगर देखा जाए तो छड़ में उसके फल के दाखिल होने की जगह से ऊपर जो लगाया जाता है वहाँ भी कुछ न मिलेगा इसके नदी नदी तीर में लगाई जाने वाली लकड़ी को कहते हैं को देखा जाए तो वहाँ भी कुछ निशान नहीं मिलेगा इसी तरह अगर इसके पर को देखा जाए तो उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा हालांकि गंदगी और खून से वो तीर गुजरा है इनकी अलामत एक काला शख्स होगा उसका एक बाजू औरत के पिस्तान की तरह उठा हुआ होगा या गोश्त के लोथड़े की तरह होगा और हरकत कर रहा होगा ये लोग मुसलमानों के बेहतरीन ग्रोह से बगावत करेंगे हज़रत अबू सैद रज़ी ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने यह हदीस रसूल सल्ला वसलम से सुनी थी और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रतली बिन तालब ने उनसे जंग की थी यानी खवारिज से उस वक्त में भी हज़रतली रजी अल्लाह उन्होंने के साथ था और उन्होंने उस शख़्स को तलाश कराया जिसे आ हज़रत सल्ल वसलम ने उस ग्रोह की अलामत के तौर पर बतलाया था आखिर वो लाया गया मैंने उसे देखा तो उसका पूरा हुलिया बिल्कुल आ हज़रत अलैहि वसल्लम के बयान किए हुए और साफ के मुताबिक था सही बुखारी हदीस नमर तीन हज़ार छः सौ दस